मेरा नाम है डॉक्टर तन्या, मुझे डॉक्टर क्यूट्रस भी कहते हैं, और मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसे टिप्स जो हर वल्वा ओनर को अपनी हाइजीन के बारे में पता होने चाहिए। नंबर 10, मुझे कैसी अंडरवेयर पहननी चाहिए। अगर आप अपनी वजाइना का ध्यान रखना चाहते हैं तो आपको कॉटन अंडरवेयर पहननी चाहिए। इनका ये फ़ायदा है कि ये लाइटली वोवन फाइबर्स से बनी होती हैं जो हवा को आर पार होने देते हैं, जिससे वहाँ गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ग्रो नहीं होते, पसीना भी इकट्ठा नहीं होता, रैशेज़ होने का खतरा कम होता है और आपको इन्फेक्शंस नहीं होते। इसलिए क्यूट वंडरफुल कॉटन पैंटीज ही प्रेफर करें। नंबर 9, अपने प्यूबिक हेयर से छुटकारा पाने का बेस्ट तरीका है उन्हें ट्रिम करना और कुछ नहीं। इससे आपके प्यूबिक हेयर की लेंथ मेंटेन रहेगी और आपकी स्किन इरिटेट नहीं होगी। नंबर 8, हो सकता है आप उन लोगों में से हैं जिन्हें प्यूबिक हेयर रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं ट्रिमिंग ही सजेस्ट करूंगी, लेकिन अगर आप फिर भी उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो शेव करिए, पर ध्यान रहे कि शेव हेयर ग्रोथ की ही डायरेक्शन में करें, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं। इसका मतलब जैसे मेरे बाल ऐसे नीचे की तरफ हैं, जब मैं अपना रेज़र यूज़ करूँगी मैं ऐसे शेव करूँगी, ऐसे नहीं। ऐसे शेव करने से क्लोज शेव तो होगी लेकिन आपकी स्किन इरिटेट भी हो जाएगी। इसलिए किसी भी तरह की इरिटेशन अवॉइड करने के लिए हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में ही शेव करें। नंबर 7, अब बात करते हैं इंटीमेट हाइजीन वॉश के बारे में। क्या ये ज़रूरी है? आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल बुरा नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इंटीमेट हाइजीन वॉश यूज़ करते हुए आप बस वल्वा वॉश करें। वल्वा को ट्रायंगल है जो बाहर की तरफ दिखता है और वो नहीं जो अंदर है। वजाइना आपका बर्थ कैनाल है, वहाँ पर कुछ ना डालें। वो एक क्वीन है जो अपने आप को खुद क्लीन करती है। वल्वा के लिए आप इंटीमेट हाइजीन वॉश या सिंपल सा माइल्ड सोप या सिर्फ पानी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अब वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये बहुत लोगों के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल और इरिटेटिंग होता है। वैसे ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपकी अंडरवेयर पे डिस्चार्ज हो तो आप पैंटी लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं। पैंटी लाइनर्स छोटे कॉटन पैड्स की तरह होते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के भी बने हैं जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आपको अलग अलग टाइप के पैंटी लाइनर्स मिल सकते हैं और ये आपका रोज़ का डिस्चार्ज अब्सॉर्ब करते हैं, और अगर आपकी कोई स्पॉटिंग होती है तो वो उसको भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन पैंटी लाइनर फ्री डेज भी ज़रूरी हैं ताकि आपकी स्किन सांस ले सके। अगर आप ड्राई रहना चाहते हैं तो पैंटी लाइनर्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है। नंबर 5, क्या प्यूबिक हेयर को वैक्स करना ठीक है? हो सकता है ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको कहें कि आप कभी कभी प्यूबिक हेयर वैक्स करा सकते हैं, लेकिन इसे रेगुलरली मत कीजिए, क्योंकि आपकी जेनिटल स्किन पर वैक्स करना एक बहुत ही वायलेंट प्रोसेस है। आपकी जेनिटल स्किन बहुत पतली, डेलिकेट और सेंसिटिव है, इसलिए आप उसे वैक्स नहीं करना चाहेंगे। नंबर 4, मैंने बहुत से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को कहते हुए सुना है कि आप अपने जेनिटल एरिया को स्क्रब से क्लीन कर सकते हैं, या फिर ये कि स्क्रब करने से इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ उनको मत सुनिए, एक डॉक्टर का एडवाइस लीजिए। मैं मजाक नहीं कर रही, आपको अपनी जेनिटल स्किन स्क्रब नहीं करनी चाहिए। अगर आप स्क्रब करना भी चाहते हैं तो आप एक माइल्ड वॉश क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कुछ भी और यूज़ मत कीजिए क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। याद रखें, आपकी जेनिटल स्किन बहुत फ्रेजाइल है। अगर आप इनग्रोन हेयर को अवॉइड करना चाहते हैं तो स्किन को बफ करना एक ही तरीका है। आप एक पुराना टाल यूज़ कर सकते हैं, उसमें छोटे छोटे एक्सफोलिएटिंग बिट्स होते हैं जिनसे आप अपनी स्किन को बफ कर सकते हैं, पर आपको स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे आपको बहुत दर्द होगा और किसी को ये पसंद नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने वल्वा को वॉशरूम से आने के बाद पोंछते हैं।
ये ठीक है क्योंकि वरना आपकी पैंटीज़ उस पानी को सोख लेंगी और आप ऐसा नहीं चाहते, ठीक है। पर ध्यान रखें कि आप अपनी वल्वा और वजाइना को पहले वाइप करें और फिर अपने बट होल की तरफ बढ़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बट होल में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं और आप नहीं चाहते कि वो बैक्टीरिया आपकी वजाइना या पी होल में जाएं। इसलिए पहले अपनी वल्वा और वजाइना को वाइप करें और उसके बाद अपने बट होल को। सेकेंड, आपको रेगुलर पैप स्मीयर्स करवाने चाहिए। पैप स्मीयर्स वो एग्जामिनेशन है जो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के ऑफिस में करवा सकते हैं। वो एक स्पेक्युलम यूज़ करते हैं, ये एक बतख की चोंच जैसा लगता है। वो इसको आपकी वजाइना में डालते हैं, उसे खोलते हैं और आपके सर्विक्स को देखते हैं। तो सर्विक्स एक्चुअली आपकी यूट्रस की एंट्रेंस है। पैप स्मीयर टेस्ट से पता चल जाएगा कि आपकी सर्विक्स हेल्दी है या नहीं। इससे पता चल जाएगा कि क्या कुछ ऐसा है जिसे इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जैसे सर्विकल कैंसर इंडिया का सबसे कॉमन कैंसर है, बल्कि रूरल वुमेन में तो ये सबसे कॉमन है। इसलिए इस टेस्ट को रेगुलरली करवाएं ताकि आप हमेशा हेल्दी फील करें। नंबर वन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, इसके अकॉर्डिंग अपनी वजाइना को अकेले छोड़ दो, वो अपना ध्यान खुद रखेगी। ये एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, आपको कोई पानी या सोपी परफ्यूम डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुलसी की पत्ती, कोई नीम की पत्ती, कुछ नहीं। वजाइना के अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए, ये अपने आप को साफ रखती है, अपने आप। वजाइनल फ्लूइड या वजाइनल डिस्चार्ज इसका सबूत है। ये एक नेचुरल तरीका है वजाइना को क्लीन रखने का, तो उसे प्लीज़ अकेला छोड़ दो। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियोज़ बाय अस।